All right. Every season, several stories do the rounds about your fee. This year. Nahin, sir, but I have to tell you this year's rumored amount. It is 1,000 crores, okay? बिग बॉस 16 के लिए सलमान खान को मिले 1,000 करोड़। सच से पर्दा उठाते हुए बोले भाईजान, ईडी की नजर पड़ जाएगी। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सलमान खान हर साल की तरह इस साल भी बिग बॉस 16 के साथ टीवी पर धमाकेदार एंट्री करने वाले हैं। सलमान खान के शो बिग बॉस 16 का प्रीमियर 1 अक्टूबर को रिलीज होगा, जिसे लेकर फैंस की एक्साइटमेंट 7वें आसमान पर है। लेकिन प्रीमियर से कुछ दिनों पहले ही सलमान खान की फीस को लेकर भी खूब अटकलें लगाई जा रही थी। खबर ये भी आई थी कि सलमान खान बिग बॉस 16 के लिए पिछले सीजन के मुकाबले 3 गुना फीस ज्यादा चार्ज करेंगे, जिसके मुताबिक उनकी फीस 1,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। लेकिन अब इस मामले पर खुद सलमान खान ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने इवेंट में गौहर खान के सवालों का जवाब देते हुए बिग बॉस 16 से जुड़ी फीस का खुलासा किया। बिग बॉस 16 के प्रेस कॉन्फ्रेंस का इससे जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें गौहर खान सलमान खान से उनकी 1,000 करोड़ रुपए की फीस के सिलसिले में सवाल करते हुए नजर आए। गौहर खान ने सलमान खान से पूछा, एक अफवाह है कि आप बिग बॉस 16 के लिए 1,000 करोड़ रुपए चार्ज कर रहे हैं। इस बात को सुनकर खुद भाईजान भी हैरान रह गए। उन्होंने गौहर खान के सवाल का जवाब देते हुए कहा, अगर मुझे इतने पैसे मिल जाए ना तो मैं जिंदगी भर काम न करूं। सलमान खान यही नहीं रुके, उन्होंने फीस के सिलसिले में आगे कहा, एक दिन ऐसा आएगा जब मुझे ये फीस मिलेगी, अगर ये मुझे मिल भी जाए तो मेरे बहुत सारे खर्च है, जैसे वकीलों की फीस, तो सब चीजें उसमें ही चली जाती है। सलमान खान ने फीस की अटकलों को लेकर मीडिया वालों और फैंस पेज को भी ताना मारा। उन्होंने इस बारे में कहा, ये जो आप लोग बड़ा चढ़ाकर आंकड़े बताते हो और फैंस भी बताते हैं, भाई ये सब चीजें इनकम टैक्स वाले भी देखते हैं। सलमान खान ने फीस के सिलसिले में आगे कहा, इनकम टैक्स वाले आते हैं और फिर बाद में उन्हें सच का पता चलता है, लेकिन असल में मेरी फीस इतनी ज्यादा नहीं है, यहाँ तक कि 1,000 करोड़ का चौथाई भाग भी नहीं है। बता दे कि सलमान खान ने बिग बॉस 16 से जुड़ी कुछ चीजें भी बताई और कहा कि इस बार वीकेंड का वार शनिवार और रविवार को नहीं बल्कि शुक्रवार और शनिवार को होगा। All right. Every season, several stories do the rounds about your fee. This year. नहीं सर, but I have to tell you this year's rumored amount. It is 1,000 crores. Okay. अगर मुझे ये मिल जाए ना, हाँ, तो मैं life में नहीं काम करूँ. लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मिलेगा. और ये अगर मिल भी जाए मुझे, अगर ये price है भी, हाँ, तो मेरे बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो कि लॉयर वॉयस की फीस बहुत ज्यादा सब उसमें चला जाता है। अरे लॉयर भी हमारे सलमान खान है भाई, यहाँ पे सलमान खान कमाता है, वहाँ पर सलमान खान लेके जाता है। आया 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 गया 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 1,000 नहीं तो चलो 999। अरे कुछ नहीं, ऐसा उसका 1/4 नहीं है। आई डोंट ये होता ना, ये जो बड़ा चढ़ा के जो आप लोग जो फिगर्स निकालते हैं और फैंस निकालते हैं कि 1,000 करोड़ भाई, ये इनकम टैक्स और ईडी भी नोटिस करता है और वो आते हैं और फिर उनको पता चलता हकीकत क्या है, समझे आप।